YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से एक नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनाकर रोजगार दिया जाएगा। इससे न केवल सैलानी हिमाचल के सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका उन्हें मिलेगा, बल्कि युवाओं का रोजगार के लिए बाहरी राज्य में पलायन भी नहीं करना होगा। सरकार की नई नीति के प्रमोशन के लिए व्यापक तैयारी कर रही है। बिलासपुर में सांस्कृतिक विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि हिमाचल में ऐसा बहुत कुछ है जिसके जरिए लोगों को यहां आकर्षित किया जा सकता है। उसकी संस्कृति के कारण उसकी पहचान को हम बढ़ा सकते हैं, ब्रांड कल्चरल हिमाचल या हेरिटेज हिमाचल कर सकते हैं। उसी पहचान के जरिए से बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं एज कल्चरल गाइड, जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। जो फेस्टिवल में हिमाचल के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। हिमाचल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से एक नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनाकर रोजगार दिया जाएगा। इससे न केवल सैलानी हिमाचल के सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका उन्हें मिलेगा, बल्कि युवाओं का रोजगार के लिए बाहरी राज्य में पलायन भी नहीं करना होगा। सरकार की नई नीति के प्रमोशन के लिए व्यापक तैयारी कर रही है। बिलासपुर में सांस्कृतिक विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि हिमाचल में ऐसा बहुत कुछ है जिसके जरिए लोगों को यहां आकर्षित किया जा सकता है। उसकी संस्कृति के कारण उसकी पहचान को हम बढ़ा सकते हैं, ब्रांड कल्चरल हिमाचल या हेरिटेज हिमाचल कर सकते हैं। उसी पहचान के जरिए से बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं एज कल्चरल गाइड, जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। जो फेस्टिवल में हिमाचल के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। हिमाचल की काफी समय से एक समस्या रही है, रोजगार की, क्योंकि रोजगार हिमाचल में उतना नहीं है जितना कि बाकी मैदानी इलाकों में है, जिसके चलते जो युवा होते हैं उन्हें पलायन करना पड़ता है। जो युवा होते हैं उन्हें बाहर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, अपने लिए रोजगार देखना होता है, परिवार वालों से दूर, चंद पैसे कमाने के लिए उन्हें काफी दूर आकर रहना पड़ता है, और इसी के चलते लेकिन जो सरकार की ये पहल है ये काफी अच्छी साबित हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जेबी सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेबी सिंह जी, तो सरकार की ये जो नई नीति है, जो ये युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनाने की नई पहल है, काफी अगर इसे देखा जाए तो एक अच्छी पहल है। जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, दोबारा बोलेंगे। जी, तो जिस प्रकार से सरकार की नई पहल है, एक अच्छी पहल है। जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो हिमाचल सरकार ने आगामी जो घोषणा की है, जो थर्मोकोल की प्लेटें और जो गिलास पर प्रतिबंध लगाया, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पर पोल्यूटेड पोल्यूशन फिलहाल फैलता जा रहा है, और ना ही ये खराब होते हैं ना ये सड़ते हैं, ये जो प्लास्टिक के सामान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो हिमाचल के युवाएं हैं, अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा।